मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर गोश्त। चुकंदर जो कि विटामिन्स और मिनरल्स और आयरन से भरपूर सब्ज़ी है, जिसको देखते ही हमारा खून बढ़ जाता है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। तो आसान रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए कि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। चुकंदर गोश्त बनाने के लिए हमने आधा किलो चुकंदर लिए और उनको ग्रेट कर लिया इस साइज़ का मोटा, और अगर आप ऐसे समझें तो इस साइज़ के चुकंदर 4-5 ले लीजिए और उसे ग्रेट कर लीजिए। आधा किलो हमने मटन लिया, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी प्याज जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्च ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे बारीक, और थोड़ा हरा धनिया लिया है। फ्लेम ऑन कर दिया और ये हम कुकर में बनाएंगे चुकंदर गोश्त। तो तेल हमने लिया है 1/2 कप और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको 2 मिनट भूनेंगे। लहसुन अदरक डालने के 2 मिनट बाद हम ये गोश्त भी इसमें डाल देंगे, मटन, और इसको थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि लहसुन प्याज और अदरक के साथ गोश्त थोड़ा भुन जाए। जब तक गोश्त भुन रहा है थोड़ा हम टमाटर काट लेंगे। अब चॉप किए हुए टमाटर भी डाल देंगे। गोश्त के साथ थोड़ा भूनेंगे टमाटर को। टमाटर गलने लगे और अपना पानी भी इन्होंने छोड़ा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये पाउडर्ड मसाले। और इनको थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसे 10 मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम भूनेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। 7 मिनट हो चुके हैं और मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है गोश्त के साथ। अब ये हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि हमें 10 मिनट भूनना है इसे ताकि अच्छी तरह गोश्त और मसाला भुन जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसको भूनते रहें, 10 मिनट में ये पूरा बेहतरीन भुन जाएगा। मसाला और गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका है और अब हम इसमें डालेंगे चुकंदर। गोश्त के साथ थोड़ा चुकंदर को भूनेंगे। अब
अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसको 5 से 6 सीटियाँ लगाएंगे। पहले एक बॉईल आने देंगे, फिर इसका लिड लगाएंगे। बॉईल आ चुका, अब इसमें हम इसे बंद करेंगे और 5 से 6 सीटियाँ लगाएंगे। 20 मिनट हो चुके और 6 सीटियाँ हमने लगा ली। इसमें गोश्त भी गल गया होगा और चुकंदर भी गल गया होगा, देखते हैं चेक करके। लेकिन अब हमें थोड़ा इसे भूनना है। मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि चुकंदर ने भी पानी छोड़ा है अपना। चुकंदर गोश्त का पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया और ये कितना अच्छा भुनकर तैयार हुआ है देखें। अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। बारीक वाली हरी मिर्च भी हमने चॉप कर ली और इसको बीजों से अलग कर दिया, क्योंकि बीज जो होते हैं स्पाइसी होते हैं, इनमें तेज़ी ज़्यादा होती है, तो ये हमने अलग कर लिए। और धनिया भी हमने काट लिया। इसे गार्निश करेंगे हरी मिर्च और धनिए से। वैसे तो हम मटन को कई सब्जियों के साथ बनाते हैं, जैसे आलू गोभी पालक शलगम, लेकिन चुकंदर के साथ ये फ़र्क आता है कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है और टेस्ट तो बेस्ट है ही। और इसमें टमाटर डालना यूँ ज़रूरी है कि इससे इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। आप चाहें मैंने 2 टमाटर डाले, आप चाहें तो 3 या 4 भी डाल सकते हैं। चुकंदर गोश्त मैंने तैयार कर लिया है। उम्मीद है ये डिश आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।